इस दीपावली के शुभ अवसर पर हनुमंत छाया ज्वेलर्स लाए हैं आपके शहर एवं आपके बजट में फार्म हाउस की श्रृंखला। श्री हनुमंत छाया वाटिका राजघाट रोड स्मार्ट सिटी बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, तो आज ही संपर्क करें। तो यहाँ पे हमने हथियार में 5 हथियार दिए लोगों को, पिस्टल दी और वो लोग उसके एवज में मुझे पैसा देना था, तो पैसा देने से उन्होंने किया कि थोड़े दिन बाद दे देंगे। फिर ये लोग कहने लगे एक हमारे दो काम है, दो मर्डर कर दो, एक साजिद का और एक सिद्धू पार्षद का। मर्डर का कितना? 25 लाख। आपको डर नहीं लगता कि आपको जो वहाँ से जमानत में कैंसिल हो जाएगी, आपको दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा? अब उसमें डरने वाली क्या बात है? यह शूटर है, यह खुद अपने आप को बड़ा आरोपी बता रहा है। यह कह रहा है कि वह शूटर है और हथियार बेचता है। यह यूपी और बिहार स्टाइल में खुद अपराध करना कबूल कर रहा है। यह कह रहा है कि मैं हथियार बेचता हूँ, मैंने कुछ लोगों को हथियार बेचे हैं, उनसे पैसे मांगे तो वो बोले दो लोगों को शूट करना है। इतना ही नहीं, यह शूटर पुलिस के पास भी जाता है और पुलिस से कहता है कि मैंने कुछ लोगों को हथियार बेचे हैं, वो हमें पैसे नहीं दे रहे। यहाँ पे हमने हथियार में 5 हथियार दिए लोगों को, पिस्टलें दी और वो लोग उसके एवज में मुझे पैसा देना था, तो पैसा देने से उन्होंने किया कि थोड़े दिन बाद दे देंगे। फिर ये लोग कहने लगे एक हमारे दो काम है, दो मर्डर कर दो, एक साजिद का और एक सिद्धू पार्षद का। मर्डर का कितना? 25 लाख। आपको डर नहीं लगता कि आपको वहाँ से जमानत में कैंसिल हो जाएगी, आपको दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा? अब उसमें डरने वाली क्या बात है? ये अजीब और गरीब बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के सागर में बीते दिनों शूटर इमरान ने की थी। उसने कहा था कि हमने राजगढ़ के रहने वाले आसिफ कुरैशी, हाजी उबेद, भाई जुबेर, मौलवी फारिक को 5 से 6 रिवाल्वर दी है। जब हमने पैसे मांगे तो वो कहते कि सिद्धू पार्षद और साजिद को वो शूट कर 2.5 लाख रुपए दे देंगे। इस कहानी के बाद जिन लोगों को यह हथियार बेचने की बात कर रहा है, उन्होंने पुलिस कप्तान और आईजी को लिखित शिकायत की है। आरोप लगाए कि हमने कोई हथियार नहीं खरीदे। जो शख्स हमारी बात कर रहा है उससे आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई। हमारा राहतगढ़ में साजिद हबीब रंगरेज, सलाम खलीम और सिद्धी रंगरेज से जमीनी विवाद चल रहा है। इन्हीं लोगों ने साजिश कर शूटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर हमें बदनाम किया है, साथ ही हमें फंसाने की कोशिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सागर के अंदर और उसमें हमारे ऊपर जो मनगढ़ंत जो है उनके आरोप लगाए गए कि हमने जो है इमरान नाम का शूटर है, उसके द्वारा हमें जो है हथियार बेचे गए। हमारी इमरान नाम के शूटर से या कोई ऐसे शूटर से या कोई भी अपराधी से कोई हमारी मुलाकात नहीं है, ना फोन पे ना आमने सामने। एक विवाद जो बहुत पहले से चल रहा है 2019 से, ये साजिद और उसके पिता हबीब ने और कलीम ने और इनके और साथियों सलाम वगैरह ने, इन्होंने खसरा नंबर 117 शासकीय भूमि के ऊपर कब्जा करके जो नगर राहतगढ़ में विद्युत मंडल के पीछे मेन रोड से बिल्कुल उसके करीब लगी हुई है, करोड़ों रुपए की कीमती जो जमीन है, 1.5 एकड़ जमीन पे ये लोग अभी कब्जा करके उसकी प्लाटिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, बीते दिनों को इस शूटर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ साफ बोला था कि वह हथियार बेचता है, लोगों को शूट करता है, तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? इतना ही नहीं, राहतगढ़ के थानेदार को इस शूटर ने मुलाकात करके सारी कहानी बताई थी। यह भी बताया था कि वह हथियार बेचता है। फिर TI साहब ने इससे पूछताछ क्यों नहीं की? पुलिस ने इसे क्यों जाने दिया? मौलवी फारूक और उनके साथियों ने आज एक लिखित शिकायत SP गदरवार में पहुँच कर की है, IG से भी यही शिकायत की है। उनका कहना है कि जमीन विवाद के चलते साजिद हबीब और सिद्धी रंगरेज नाम के लोग इस शूटर से यह कहलवा रहे और हम पर झूठे आरोप लगवा रहे हैं। पुलिस को एक्शन लेकर इस शूटर को पकड़कर उससे पूछताछ करनी चाहिए, उसे गिरफ्तार कर साजिश रचने वालों की नाम पूछना चाहिए और उन पर फिर मुकम्मल कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो एक बहुत बड़ा हंगामा यह शूटर यहां करेगा और उसका साथ देने वाले राहतगढ़ के कुछ लोग इस शूटर का उपयोग अपराध करवाने के लिए कर सकते हैं। बहरहाल सागर में एक अपराधी, एक शूटर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
उन्हों को क्यों फंसाना चाहता है, इस मामले की पुलिस ने अब पड़ताल शुरू कर दी है। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।